संगीत के धूम से झूम उठे दर्शक पाकिस्तान के खिलाफ इस बल्लेबाज का बल्ला ऐसा बोला कि पूरा पाकिस्तान खामोश हो गया। पहले अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाया, फिर पाकिस्तान जैसे विस्फोटक टीम के सामने 63 गेंद पर 86 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली, पूरे भारत को दीवाना बना डाला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्ला नहीं चला तो आलोचकों की फौज ने उम्र खत्म हो गई है और मोटा हो गया है और कप्तानी से हटाने के लिए भी बोला। चुपचाप शर्मा जी ने सारी आलोचना सही और अपने बल्ले से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में रोहित शर्मा का शो सुपर हिट रहा। हिटमैन ने पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले में बल्ले से जमकर तबाही मचाई और 50 ओवर के फॉर्मेट में रोहित T20 वाले अंदाज में बैटिंग करते हुए नजर आए और उन्होंने महज 63 गेंद पर 86 रन की आतिशी पारी खेली। अपनी इस तूफानी इनिंग के दम पर हिटमैन ने कई बड़े रिकॉर्ड चकनाचूर भी कर डाले। रोहित खास मामले में सचिन तेंदुलकर और धोनी से भी आगे निकल गए। अगर कभी कोई बोले कि तुम्हारा हिटमैन तो छोटी टीम को मारता है तो ये तस्वीर उनके सामने कर देना। बता देना कि जिस अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोहरे उछाल से दोनों टीमों के बल्लेबाज परेशान थे, वहाँ रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जैसे मैच को एक तरफा कर दिया था। हिटमैन को दुनिया यूं ही नहीं, द मैन, द मिथ, द लीजेंड नहीं बुलाती। रोहित को पता था कि अगर भारत डिफेंसिव अप्रोच के साथ टारगेट चेंज करेगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। हिटमैन ने पहली गेंद से कुटाई शुरू कर दी। कोई पाकिस्तानी गेंदबाज हिटमैन के सामने टिक नहीं सका। रोहित ने सबको मनमाने तरीके से मैदान के चारों तरफ मारा। ये काम सिर्फ रोहित शर्मा कर सकता है। रोहित की बदौलत भारत ने 192 रन का टारगेट चेंज करते हुए पावर प्ले में 79 रन बना लिए। हकीकत यह है कि रोहित शर्मा जितनी आलोचना की जाती है उतना शायद किसी दूसरे बल्लेबाज की नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में बल्ला रोहित का नहीं चला तो आलोचक हिटमैन पर टूट पड़े। कोई उनकी उम्र पर सवाल खड़े कर रहा था तो कोई फिटनेस पर। कई लोग तो बीच वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने की मांग कर रहे थे। रोहित शर्मा जुबान से खामोश रहे लेकिन जवाब बल्ले से दे दिया। इतिहास के पन्ने में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, हिटमैन ने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में अकेले सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आक्रमण वाले पाकिस्तान को मार कर नस्तनाबूद कर दिया। और रोहित की ताबड़तोड़ पारी बल्लेबाजों की बदौलत 117 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से भारत जीत लिया। रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ अशतकीय पारी खेलकर खास मामले में सचिन तेंदुलकर को ही पीछा छोड़ दिया। हिटमैन अब वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से रनों का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा अशतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए। रोहित के नाम अब 750 दर्ज है जबकि सचिन ने 6 अशतक जमाए थे। धोनी के नाम भी 4 अशतक दर्ज है। रोहित शर्मा का बतौर कप्तान ICC वर्ल्ड कप 2023 का यह दूसरा अशतक रहा और इस 50 के साथ हिटमैन ने MS धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। एक विश्व कप में कप्तान के तौर पर रोहित और धोनी के नाम 2-2 अशतक दर्ज हो गए हैं और इस मामले में 550 के साथ विराट कोहली टॉप पर काबिज हैं। हिटमैन को ऐतिहासिक पारी की बधाई दे और अगर आप रोहित शर्मा के सच्चे फैन हैं तो पोस्ट को शेयर जरूर करें और बताएं कि आपको रोहित शर्मा को लेकर क्या राय है। बने रहे JT News के साथ, लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।